एक आदमी किसी जगह पर रिश्ते का इंतखाब करता है ले माल है कि वो मालदार है वाले जमाल है। बाजों का इसको देखते हैं कि ये खूबसूरत है वाले नसब है, और बाजों का ये देखा जाता है कि वह हसब है कि हसब और नसब उसका अच्छा है। इसको देखते हैं खानदान बड़ा है, मेरी इज्जत होगी, शोहरत होगी, वली दीनी है, और बाजों का दीन की वजह से एक जगह पर रिश्ता किया जाता है कि ये दीनदार है, अमानतदार है, इज्जतदार है, अच्छा घर है। गलतियां किसी में होती है। आलिम इमाम और बुजुर्ग समेत दावदार मत को सब दावदार है, बेदाग बस वही जो परवरदिगार है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फस्फिर बेदात दीन तरबत यदा, आप लोग दीन को देखें, शराफत को देखें, इज्जत को देखें, बेजरर खानदान हो, बेदाग हो और कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हो। इसलिए कि जमाल माल मनान हसब नसब ये फानी चीजें हैं, और दीन दुनिया में भी आपको पुरसुकून रखेगा, कब्र और आखिरत में भी आपको सुकून मिलेगा। तो दीनदार औरत से तुम शादी करो, तुम दीन को देखो। मैंने ये हदीस क्यों सुनाई? ये बच्चे बैठे हुए नहायत तरतीब से मैंने ये हदीस इस पर सुनाई। क्यों? बहुत ज्यादा मर्द है, रिश्ते के लिए मर्द नहीं मिल रहा है। बहुत सारी औरतें हैं, रिश्ते की लड़की नहीं मिल रही है। हर एक कहता है मुझे अच्छी लड़की मिले, अच्छा लड़का मिले। तो कहां से मिलेगा? मुआशरा से। मुआशरे का क्या हाल है? अब बाहर जाओगे, जितने बच्चे हैं पूरी दुनिया में सुबह उठते हैं पाबंदी से, लेकिन नमाज के लिए नहीं, स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, होमवर्क के लिए, एकेडमी के लिए, इसके लिए पाबंदी से उठते हैं, शौक से उठते हैं, खराबी नहीं करते हैं। नाराज ना होना, हम अपने बच्चों को पैसों की मशीन बनाते हैं कि पैसा हम बोलते हैं, उनको दीनी तालीम नहीं देते। उन्हीं बच्चों से बाद में ये तवक्को करना कि वो हमारी कदर इज्जत करेंगे, नहीं, इंशाल्लाह शादी करके जिस तरह जानवरों के बच्चे भाग जाते हैं, जिस तरह परिंदों के बच्चे भाग जाते हैं जब उड़ना सीख लेते हैं, आपसे भी अपने बच्चे चले जाते हैं। दीनदार बच्ची होगी, बच्चा होगा, आपके लिए दुआ भी करेंगे और आपको उल्टियां आएंगी आखिरी उम्र में, तो फिर वो आपकी उल्टियां चुल्लू में पकड़ के बाहर फेंकेंगे, आपकी कदर करेंगे। तो बच्चों को अगर आप दुनियावी तालीम देते हैं, मैंने डबल एम ए पी जी की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, मेरे बच्चों ने डबल एम ए किया है, लेकिन आलिम मुफ्ती भी है, जिन्हें आप दुनिया और दीन दोनों पढ़ाया। हम यहां पर मेट्रिक एफए भी पढ़ाते हैं, मिडिल भी पढ़ाते हैं, छोटी ईद के बाद पांच दिन बाद इंशाअल्लाह। हाँ, आपके बच्चा, आपका बच्चा हमको मिला, हम आपको वापस करेंगे आपका बच्चा हाफिज, आलिम भी, डबल एम ए भी, फ्री, एक टक का फीस नहीं, उसकी तरबियत भी हो। ये सारे बच्चे टारगेट पड़ते हैं। 300 हैं इसमें, नवाब भी है, जाफरान के बाग है, अरबपति भी है, अरबपति बड़े बड़े खानदानी लोग हैं, गरीब भी, कर्नल के भी 3 बेटे, गरीब भी। दीन सीखो तो माशरे में फिर जो लड़की होगी लड़का होगा उसकी शादी होगी तो वो अच्छे होंगे, अगर तरबियत नहीं होगी तो शादी कहां से अच्छी होगी अच्छी जगह पर। अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को दीन की समझ आता, और अल्लाह हमारी गलतियों को कोताहियों को माफ़ करे।